नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से आ रहा है बहुत ही बड़ा बड़ा गुड न्यूज। साथ साथ दोस्तों बेंगलुरु एफसी चेंज कर रहा है अपना होम ग्राउंड। तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको आईएसएल 6 के साथ साथ इंडिया नेशनल टीम के बारे में भी कुछ नए अपडेट देने वाला हूं। तो पहला अपडेट, बेंगलुरु एफसी अपना होम ग्राउंड चेंज करने जा रहा है। जो श्री कंठराबे स्टेडियम उनका पिछला होम ग्राउंड था, तो स्टेडियम के मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बेंगलुरु एफसी का बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, आप लोग जानती होंगे, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। तो इसीलिए बेंगलुरु एफसी अभी फिलहाल के लिए अपना होम ग्राउंड चेंज कर रहा है और पुणे में जाकर अपना होम मैच खेलने वाला है। तो पुणे का वालेवादी स्टेडियम पर अपना होम मैच वो खेलने वाला है इस सीजन में, और तब तक अगर ठीक हो जाता है जो प्रॉब्लम चल रहा है मैनेजमेंट के साथ श्री कंठराबे स्टेडियम के प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाता है तो शायद बेंगलुरु एफसी फिर से मूव कर जाएगा बेंगलुरु में और श्री कंठराबे स्टेडियम पर ही अपना होम मैच खेलेगा। और अभी भी आशा रख रहा है और काम भी चल रहा है इसके ऊपर। तो चलिए इसके बारे में अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों ओडिशा एफसी से जुड़े। तो ओडिशा एफसी का लोगो लॉन्च तो हो चुका है, आप लोग जानते होंगे, और साथ साथ दोस्तों उन्होंने एक नया विदेशी खिलाड़ी को साइन किया है। नया तो नहीं है, रिटर्न क्या है, पुराना खिलाड़ी है जो दिल्ली डायनेमिक्स एफसी की तरफ से खेल रहा था पिछले सीजन, डोरन सोरो, जो कि गोल कीपर है, आप लोग जानते होंगे। और उन्होंने पिछले सीजन दिल्ली डायनेमिक्स एफसी की तरफ से 15 मैच खेला था, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके वो दिखाया था। और दोस्तों एक लौता विदेशी खिलाड़ी है जो गोल कीपर है इस सीजन में, तो ओडिशा एफसी ने एक विदेशी गोल कीपर को साइन किया है जो कि और किसी भी टीम ने साइन नहीं किया इस बार एज ए गोलकीपर विदेशी खिलाड़ी। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से जुड़े। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने रिटर्न कर लिया है कोमोस्की को, मैंने जैसा कि आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। साथ साथ दोस्तों काय हेरिंग्स को भी न्यू साइनिंग कर लिया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, और दोनों ही इंडिया आ चुका है और दोनों प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है टीम के साथ। जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के टीम का। और नेक्स्ट अपडेट भी दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से जुड़े। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने ऑफिशियली ट्रियाडिस को भी रिटर्न कर लिया है दोस्तों, उन्होंने घोषणा कर दिया है। तो ट्रियाडिस जर्मनी से बिलोंग करते हैं, आप लोग जानते होंगे, और पिछले सीजन नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से 6 अपीयरेंस कर लिया है उन्होंने और बहुत ही शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों बहुत एक अच्छा काम किया है यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किया है जिनके पास आईएसएल का एक्सपीरियंस है, और मुझे लग रहा है कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इस पर रॉक करने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इस बार रॉक करने वाला है, तो रॉक सिर्फ नहीं दोस्तों, रॉक करने वाला है, क्योंकि साथ साथ एक और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। वो साइन करने जा रहा है या साइन कर लिया है ऐसा सोर्स से भी पता चल रहा है। ऐसा मुख गया इनको दोस्तों, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, घाना के इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आज स्ट्राइकर वो खेलता है और बहुत ही ज़बरदस्त गोल लगाता है, और दोस्तों रेगुलर गोल स्कोरर है। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, इनके बारे में आप सर्च कीजिए, इनके गोल स्किल को आप लोग देख लीजिए कि किस दर्जे का ये खिलाड़ी है। तो इनका अगर कुछ मेन क्लबों की बात किया जाए, जैसा कि दोस्तों रेनेस, उसके बाद सुंदरलैंड, संघाई, एसआईपीजी, उसके बाद यूएवी का आलेन, उसके बाद सबब अल एहिल, तो दोस्तों इन सभी क्लबों की तरफ से उन्होंने परफॉर्मेंस क्या है, और लास्ट टाइम इन्होंने तुर्की के क्लब तरफ से खेला था जहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। और अगर नेशनल टीम की बात किया जाए तो दोस्तों घाना के नेशनल टीम की तरफ से उन्होंने टोटल 107 अपीयरेंस किया है, जो कि सबसे ज़्यादा कैप्ड खिलाड़ी है घाना का। और दोस्तों इंटरनेशनली उन्होंने 51 गोल भी लगा दिया है। तो दोस्तों एक बहुत ही हाई प्रोफाइल खिलाड़ी है जो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी टीम में आने जा रहा है, इंडिया में आने जा रहा है, और बहुत ही एक शानदार साइनिंग है, आईएसएल का टॉप साइनिंग भी कहा जा सकता है इनको। तो दोस्तों वर्ल्ड कप में भी ये परफॉर्मेंस कर चुका है, 4 बार वर्ल्ड कप में इन्होंने खेला है, 6 गोल भी लगाया है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने लगाया है वर्ल्ड कप में, 6 गोल, अभी तक ये रिकॉर्ड किसी ने भी तोड़ा नहीं है। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, इनके बारे में आप आँख बुझकर बात कर सकते हो, आँख बंद कर बात कर सकते हो, क्योंकि इस दर्जे का एक खिलाड़ी है। मैं इनके बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, बहुत उम्दा खिलाड़ी है, और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इतना बड़ा साइन करेगा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जैसा कि यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी सरप्राइज कर रहा है हम लोगों को एकदम लास्ट में आकर ट्रांसफर मार्केट में, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक क्वेश्चन भी खड़ा हो गया नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के फैनों के लिए, क्योंकि टोटल 8 विदेशी खिलाड़ी को साइन कर लिया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने, तो कौन सा 7 खिलाड़ी आगे जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर गल्लेगो अभी बाहर ही रहेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं है खेलने के लिए, और इसीलिए बाकी जो 7 खिलाड़ी है वही आगे जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर गल्लेगो बाहर ही रहेगा कुछ दिन के लिए, जब वो फिट होगा तब टीम में शायद उनको रजिस्टर किया जाएगा आईएसएल के लिए, और तब कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन चलेगा उनको बाहर किया जाएगा।
तो दोस्तों टोटल आप भी देसी खिलाड़ी हैं नॉन सुनरी डेप्सी का, गैलेगो, मिस्टर कॉमर्स की, लाउडो, उसके बाद ट्रियाडिस, मार्टिन चावास, काई हेरिंग्स, मैक्सिमिलियानो और एस्मो गैन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही खतरनाक विदेशी खिलाड़ी इनके टीम में आ चुका है। और आपको क्या लगता है कि नॉन सुनहरी डेप्सी क्या इस बार ट्रॉफी हासिल कर पाएगा या नहीं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है एफसी गोवा की तरफ से। तो दोस्तों एफसी गोवा का न्यू जर्सी यानी कि न्यू किट आईएसएल सीजन 6 के लिए लॉन्च हो रहा है 23 सितंबर शाम 6 बजे। और जब हो जाएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बता दूंगा, तब लोग मुझे फटाफट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए हमारे ऑफिशियल पेज को, और मेरे पर्सनल अकाउंट को भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। और इसके बाद चलिए मैं आपको नेक्स्ट इंडियन नेशनल टीम के बारे में कुछ अपडेट दे देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड का मैच होगा टीम इंडिया का बांग्लादेश के विरुद्ध 15 अक्टूबर। और इस मैच के लिए प्रिपरेटरी कैंप दोस्तों अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी इस बार वेन्यू चुना गया है प्रिपरेटरी कैंप के लिए, और मैच होगा दोस्तों कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रिपरेटरी कैंप शुरू हो जाएगा, और इसके बारे में आगे चलकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडियन नेशनल टीम का फीफा रैंकिंग। तो दोस्तों फीफा रैंकिंग फिर से एक गिर गया है टीम इंडिया का, पहले 103 था और अब 104 हो गया, क्योंकि दोस्तों जो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस था बहुत ही बुरा था, और इसीलिए टीम इंडिया का फीफा रैंकिंग बहुत ही नीचे आ गया है, अब 104 हो गया है, पहले 103 था। तो चलिए आगे इंडिया अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो फिर से आगे चला जाएगा पॉइंट, और फिर से इनका रैंकिंग घट जाएगा, इसके बारे में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों मैंने हॉस्पिटल से आकर ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है बहुत ही कष्ट करके, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।